दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को कहा है कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 के सप्ताह के दौरान दुनिया भर में रिकॉर्ड 9.5 मिलियन नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में सुनामी की वजह से दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ा है। वैश्विक स्वास्थ्य की ओर से गुरुवार को जारी कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में कहा गया है कि 27 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 के हफ्ते के दौरान अक्टूबर के बाद संक्रमण के नए मामलों की वैश्विक संख्या में सबसे पिछले हफ्ते की तुलना में तेजी से 71% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस दौरान नई मौतों की संख्या में 10% की कमी आई है। पिछले हफ्ते के दौरान 9.5 मिलियन संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41,000 से अधिक नई मौतें हुई हैं। 2 जनवरी 2022 तक वैश्विक स्तर पर कुल 289 मिलियन मामले सामने आए हैं, जबकि 5.4 मिलियन से अधिक मौतें हुई हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम गेब्रेसस ने कहा है कि पिछले हफ्ते महामारी में अब तक कोविड-19 मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इन मामलों को कम करके आंका गया है, क्योंकि रिपोर्ट की गई संख्या छुट्टियों के आसपास टेस्टिंग के बैकलॉग को नहीं दर्शाती। ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल न करें। जिनेवा में एक मीडिया को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम गेब्रेसस ने आगाह किया है कि हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में भले ही कम गंभीर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इसे माइल्ड या हल्के रूप में ले लें। दूसरे वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और ये लोगों की जान भी ले रहा है। वास्तव में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि ये दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी पड़ रही है। WHO साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के क्षेत्र में संक्रमण के मामलों में सबसे अधिक 100% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।